फ्रेंड्स, मैं हूँ मिसेस सिंह। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ। वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी साड़ी से बना हुआ शेयर करूंगी वो मेरी पुरानी साड़ी से बना हुआ आउटफिट है। और उस तरीके की साड़ियाँ मोस्टली हम लोग के पास होती ही है, इसलिए मैंने उस साड़ी का एक आइडिया आपको दिया है। अगर आपके पास भी उस तरीके की कोई साड़ी है तो आप उसका रीयूज कर सकते हैं। थी उसमें जो बॉर्डर था वो सेम साड़ी से ही बना हुआ, जिसकी वजह से लेंथ काफी छोटी हुई, अम्ब्रेला कट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको कलियों में कट किया। तो आती हूँ वुड ड्रेस। तो ये है मेरी वो अनारकली जो कि मैंने साड़ी से क्रिएट की है। ये फुल लेंथ का मैंने अनारकली गाउन या फिर अनारकली इसको बोल सकते हैं, ये मैंने क्रिएट किया। चोली पार्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने जो साड़ी का फैब्रिक था उसी का यूज किया हुआ है, क्योंकि उस जो साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें पल्लू पार्ट काफी ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से आप यहाँ पे उसका चोली नहीं बना सकते थे। अगर आपके पास भी इस तरीके की साड़ी है तो आप उसका चोली नहीं बना सकते क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा छोटी थी, हाफ मीटर उसकी लेंथ थी। तो मैंने उसका इस तरीके से साड़ी का जो बचा हुआ पार्ट था उससे मैंने ये क्रिएट किया। उस पल्लू पार्ट का मैंने यूज किया है स्लीव्स के लिए, और ये स्लीव्स की लेंथ मैंने फुल रखी है, और इस स्लीव्स के निचले एरिया में मैंने लगाया है वो साड़ी से जो बॉर्डर मैंने कट किया था वही बॉर्डर मैंने इसमें लगाया है। अब इसके बैक नेक की हम बात करें तो बैक नेक मैंने कुछ ये मटके का शेप था, बट ये पूरी तरीके से मटका नहीं बोलेंगे, ये राउंड शेप है, फिर ऊपर जाके ये कुछ इस तरीके का ये शेप है, और इसमें मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में जो नेक था उसमें मैंने कुछ इस तरीके का ये डिजाइन इसमें मैंने दिया है। इसमें मैंने लाइनिंग का जो यूज किया है वो लाइनिंग मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, जो कि मेरी एक साड़ी थी, और ये भी कॉटन, चंदेरी कॉटन में ये साड़ी थी, जिसकी वजह से इस अनारकली का जो वेट है का बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अगर मैं लाइनिंग लगा देती तो ये काफी ज्यादा हेवी हो जाता, और डेली वियर में इतना हेवी पहनना वो भी समर में बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसमें इस तरीके से ये वाली लाइनिंग का यूज किया जिससे कि ये बहुत ज्यादा भारी नहीं हुआ। इसके बॉटम एरिया में इसको मैंने क्रिएट किया है कलियों में, तो इस पे मैंने कली जो बनाई है वो बनाई है 16 कली, क्योंकि आप चाहें तो इसमें आप 10 कली का, आप 16 का, 18 का, आप ऐसे जितनी भी आपके पास फैब्रिक बची हुई है आप उससे बना सकते हैं। तो मैंने 16 कली इसमें क्रिएट की है। जैसे कि आपको पता है कि साड़ी में हाफ मीटर पल्लू एरिया था और साड़ी की पूरी लेंथ लगभग 5 मीटर समथिंग मुझे मिल गई थी, और इसका घेर उसकी वजह से काफी ज्यादा इसमें घेर आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरी साड़ी में इस तरीके का ये वर्क था, ये कुछ कलश टाइप का ये वर्क था जो पूरी साड़ी में सेम था, और इस अनारकली के बॉटम एरिया में मैंने वही जो बॉर्डर बचा हुआ था मैंने कट किया था साड़ी से, उसी बॉर्डर का मैंने इसमें यूज किया है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको कर लिया है। तो ये देखिए इसमें ये बहुत ही प्यारा ये इस तरीके का ये वर्क था। बात करते हो इसके अंदर स्कर्ट एरिया में लाइनिंग का, ये भी मेरे पास स्कर्ट रखा हुआ था चंदेरी कॉटन जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और इस तरीके से ये मैंने पूरी गाउन को क्रिएट किया है, और आप ये फाइनल लुक देख भी रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का इसका फुल लुक आया है।
अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से प्रिंट वाली साड़ी है और आप उसका रीयूज करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप उसका अनारकली क्रिएट कर दें। अगर आपकी साड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, उसका फैब्रिक बहुत खराब नहीं हुआ है, तो आप किसी बुटीक में भी उसको बनवा सकते हैं। तो ये मैंने अपने खुद से बनाया है, क्योंकि इसका फैब्रिक जो था बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं था, मतलब कि इसको पहनने के बाद ये कहीं कहीं से इसका धागा निकल गया था। तो इसको हम बाहर पहन के, मैं इसको बाहर पहन के नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने ये घर के यूज़ के लिए इसको बनाया है। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा आउटफिट पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। आप चाहते हैं अगर मेरी और वीडियोस देखना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने फिटनेस से रिलेटेड, अपने होम डेकोर से रिलेटेड DIY आइडियाज वहाँ भी शेयर करती रहती हूँ, और न्यू रील्स में वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे सेम नाम से सर्च कर सकते हैं, माधवी सिंह 1616, आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।